इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा एक दूर में, यहीं पास में या दूर में जो भी बोल लो, निसान की एक बिल्डिंग है। निसान जो अपनी कार वाली कंपनी है ना, तो उसका ऑफिस है, अच्छी बड़ी बिल्डिंग है। तो अपन वहां तक जा रहे हैं और साथ ही साथ आपको एक कहानी सुनाता हूं जो मैंने बहुत पहले सुनी थी, लेकिन अभी रिसेंटली वो मेरे लाइफ के ऊपर एप्लीकेबल हुई है, तो आपके लिए भी वो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन सही रहेगा। जैसे कि आपने ये बहुत बार सुना होगा कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो इसके ऊपर एक कहानी भी आपने कई लोगों ने सुनी होगी, अकबर और बीरबल वाली, कि एक बार अकबर कुछ करते रहता है तो उसका उंगली का थोड़ा सा भाग कट जाता है तो खून निकलने लगता है। तो अकबर बोलता है क्या हो गया, फलाना ढिकाना, आप राजा है तो थोड़ा सा रहेगा। तो बीरबल बोला कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो बीरबल का दिमाग खराब हो गया, अकबर का दिमाग खराब हो गया, राजा लोग थोड़े सनकी रहते ही हैं। तो वो बोला अच्छा ये जो कटा है वो मेरा अच्छे के लिए हुआ है? तो बोला जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो बोला अगर मैं तुमको इस राज्य से भगा दूंगा तो तुम्हारे अच्छे के लिए होगा? तो बोलता है जो होगा वो अच्छे के लिए होता है। तो बीरबल को भगा देता है। फिर अकबर कुछ दिन बाद शिकार के लिए निकलता है, तो शिकार के लिए जब वो निकलता है तो रास्ते में वो भटक जाता है एक जगह, फिर उसको वहीं के आदिवासी लोग पकड़ लेते हैं कि भैया, उसको ले जाते हैं बलि देने के लिए, पूजा मूजा करते हैं उसकी, और उसके बाद देखते हैं कि उसका हाथ थोड़ा सा, मतलब उंगली के पास थोड़ा सा कटा हुआ है। तो बोलते हैं अरे तो खंडित इंसान है, कटा हुआ है, इसको चढ़ा नहीं सकते करके उसको नहीं मारते, उसको छोड़ देते हैं। फिर जब अकबर आता है वापस अपने राज्य, तो बोलते हैं यार बीरबल ने सही कहा था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो बोलता है भी बीरबल को ढूंढने चलो। फिर बीरबल को ढूंढने जाते हैं, एक जगह मिलता है बीरबल, तो बोलता है अच्छा ठीक है, मेरा जो हुआ होता अच्छे के लिए हुआ, लेकिन इतने दिन तुमको कष्ट सहना पड़ा तो इसमें क्या अच्छा था? तो वो बोलता है बीरबल अगर मैं आपके साथ रहता तो आपकी तो उंगली में कटा हुआ था तो आप बच गए, लेकिन मैं तो सही सलामत था तो मेरी बलि दे देते। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो कहानी था जो होता है अच्छे के लिए होता है, अपन सुनते हैं बचपन में कई बार। अब मेरे साथ क्या हुआ यहाँ पर सुनिए, कि यहाँ पर कोई भी इंस्टीट्यूट हो या कहीं पर भी हो या कोई भी आपका जॉब का कुछ भी हो, है ना, तो आपको मार्कशीट वेरीफाई कराना पड़ता है, ऐसा बोला है ना, और बहुत सारी चीज़ें आपको बोला गया है कि ये सब वेरीफाई कराना पड़ता है ना, और ट्रांसलेट भी करवाना पड़ता है अगर हिंदी में है तो। तो मैं आपको बताया था जैसे कि, तो मैं सोचा 3 दिन पहले मेरे को, मैंने अपने पूरे ऑलरेडी वेरीफाई करा चुके थे, लेकिन मेरे को 2 ठोक मार्कशीट मेरी बच गई थी। तो सामने बोला, सामने वाले ने कि भाई आपको वो सबमिट करना है करके, आपकी डिग्रीज विग्रीज तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जो वो मार्कशीट हो, जो मार्कशीट हो सबमिट करना और उसको आप वेरीफाई करवा लेना मेरे को बोले। तो मैं ठीक है, फिर आया नेट में देखा तो ट्रांस स्पेन करके है $250 रुपये, अगर 4 दिन के अंदर कराओ $250 लेते हैं, और मेरे को अर्जेंट भी था। तो मैं चलो भाई यही वाला करा लेते हैं। तो मैं सोचा बिजनेस सेंटर जाऊँ, जब बिजनेस सेंटर जाके देखा तो भीड़ लगी हुई थी, मतलब छोड़ यार नया प्रिंटर ही खरीद लेते हैं, क्योंकि बार बार स्कैन तो कराना पड़ता है। तो मैं प्रिंटर लेके आ गया। अब जब प्रिंटर लेके आया, जब उसको उसके साथ, मतलब वो मैंने प्री ओन प्रिंटर लिया, एकदम न्यू नहीं था, लेकिन वो 4-5 बार ही चला हुआ था, ज़्यादा नहीं था, अच्छा खासा चल सकता था। तो फिर उसके साथ उसमें सॉफ्टवेयर की सीडी नहीं थी, फिर अपने विंडोज़ में मैंने लगाया, पूरा सर्च मर्च किया कि सॉफ्टवेयर की सीडी क्या होती है, कैसा है, कौन सा वाला वर्जन इसमें लगेगा। तो मेरे को बहुत सारा MX430 करके है कैनन का, ठीक है, नया खरीदोगे तो $300 है, और मतलब कि 300-350 के ऊपर पहुंच जाएगा, लेकिन अगर प्री ओन खरीदोगे तो 200 में मिल जाता है। तो उसके बाद पूरा सॉफ्टवेयर के 2 घंटे तक सर्च किया, नेट में नहीं मिला। फिर एक फॉर्म में गया, जो फॉर्म में मैं पढ़ा तो बोले कि भाई विंडोज़ 10 अगर आपके पास है तो उसमें एक ऐप है स्कैन, विंडो स्कैन, तो वो सब जितने भी नए प्रकार के आपके जो प्रिंटर है उसके लिए, सबके लिए वही सॉफ्टवेयर चल जाता, वही ऐप, तो जिसके पास होगा उसके लिए इन्फॉर्मेशन अच्छी है। मैं विंडोज़ स्कैन डाउनलोड किया, उसके बाद मैं अपनी मार्कशीट पूरी स्कैन किया। अब मैं सोचा अच्छी क्वालिटी है करके
मैंने 600 DPI वाले में कर दिया तो उसका साइज़ बढ़ गया, और मैंने स्कैन भी किया और मैंने भेज भी दिया उनको। तो सामने वालों ने कहा कि सर इसकी साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी है, हमको इसको अटैच करके भेजो। एक्चुअल में गूगल में क्या होता है कि जब आप अगर वो फाइल का साइज़ 25 MB से बढ़ जाता है तो वो गूगल ड्राइव में उसको अपलोड कर देता है और उसकी लिंक जनरेट कर देता है। लेकिन सामने वालों ने मेरे को बोला कि नहीं आपको तो छोटे फॉर्मेट में भेजना पड़ेगा। मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मैं सो गया है ना। अगले दिन फिर सुबेरे से कर गए, मैं बोला सीधा ऑफिस चले जाता हूँ, ऑफिस में ड्रॉप कर दूँगा वहाँ आके जहाँ पे ये पूरा सर्विस होता है ट्रांसलेट का। फिर मैं गया तो देखा तो बहुत भीड़ है, तो मतलब चलो यार तब तक मैं लंच कर लेता हूँ, तब तक भीड़ भी हट जाएगी। फिर जब तक मैं लंच किया, मैं वापस आया तो सब लंच पे चले गए थे, वो काम नहीं हुआ। फिर मैं वापस आ गया, मतलब छोड़ अब देखेंगे जो होगा वाला हिसाब है। इंडियन मेंटेलिटी कहीं ना कहीं किक मारती है कि देखेंगे वाला हिसाब है ना। फिर जब मैं अगले दिन पहुंचा जहां पे सबमिट करना था, मैं बोला कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ तो मैं अभी तक नहीं करा पाया हूं। सो बोले कैन आई टेक अ लुक, है ना। तो उसको दिखाया भाई मार्कशीट, तो देखे मेके बोले इट डजंट नीड टू बी वेरीफाइड एंड ऑल, एवरीथिंग इज हियर। बोला भाई पूरा 2 दिन खींच लिया और आखिरी में नहीं हुआ, और वो ऐसी सबमिट कर दिया मैंने। तो देखो क्या हो गया, $250 बच गए। अब आप सोचोगे प्रिंटर खरीदना पड़ गया, प्रिंटर आ गया ना अपने पास रखा हुआ है, काम ही आएगा कभी ना कभी। लेकिन मैं इतना उस समय कोस रहा था कि साला इतनी अच्छी हमेशा किस्मत रहती है, अभी क्यों ये किस्मत में खराबी आ गई, अभी सबको खाना खाने जाना था। तो मैं फिर उसके ऊपर घर में जब सोने के पहले जब मैं उस बारे में सोच रहा था, तो एक चीज़ याद रखना, आप लाइफ में किसी भी ट्रबल से गुजर रहे होंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही होगी, हो सकता है आपकी जॉब नहीं लग रही होगी, हो सकता है आपके साथ कुछ नहीं हो रहा होगा, हो सकता है आपको लग रहा होगा कि आपके लाइफ में सब कुछ गलत ही चल रहा है। फ्रस्ट्रेशन आ जाती है इंसान के लाइफ में जब वो जैसा चाहता है वैसा नहीं हो पाता। लेकिन आप लोग मानो या ना मानो, भाई मैं तो मानता हूँ कि एक सुप्रीम पावर है, उसको आप भगवान बोल लो, अल्लाह बोल लो, जीसस बोल लो, जो आपको नाम देना है दे दो, अपने से ऊपर एक पावर है, ठीक है, जो चीज़ों को रन करती है। आप इतने से पार्ट हो उस चीज़ के, है ना, वो पूरा है। आप कितना अपना 100% दे दो, अपना 200% दे दो, अपना 1000% दे दो, एक चीज़ ना लगभग थोड़ी सी प्लान्ड होती है, और ना वो बोलते हैं ना मास्टर प्लान होता है, उसमें आप अपना मैक्रो प्लान खेलते रहो फ़र्क नहीं पड़ेगा। और सोचो इतनी सारी प्रॉब्लम हुई लेकिन वो मार्कशीट में स्कैन नहीं कर पाया और वहाँ पे सही समय पे भेज नहीं पाया उसको ट्रांसलेशन और वेरिफिकेशन के लिए, और आखिर में बोले तो इसकी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका सब कुछ सही है, आपकी मार्कशीट में हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो उन लोग को प्रॉब्लम होती है जिनके मार्कशीट में इंग्लिश में नहीं होता करके। तो मैं बोला ठीक है भाई। तो क्या होता है कि हो सकता है आप वीज़ा इंटरव्यू के लिए गए होंगे, हो सकता है आपका रिजेक्ट हो गया होगा, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी, लेकिन लाइफ में ना रिजेक्शन होते रहते हैं। तो हो सकता है आपको किसी अच्छी जगह पे वो ले जाना चाह रहे हो, आपको लगता है कि नहीं यार सब किस्मत तो मेरी ख़राब है, ऐसे ही हो रहा है वैसे ही हो रहा है वाला हिसाब है। पीछे मैरियट का होटल है ना, आपको वो भी दिखाता हूँ। आज थोड़ा सा लेट हो गया हूँ सवेरे उठने में, जब मैं इंडिया में था तो मैं अगर मंडे का दिन है तो मंडे को मैं 3:30 मतलब 3:30 AM को उठ जाता था, उसके बाद पूरा तैयार होता था, फिर अपनी कार निकालता था और लगभग 100 किलोमीटर ड्राइव करके जाता था, क्योंकि मैंने एक और जगह इंस्टीट्यूट खोला था वहाँ पे पढ़ाने के लिए, फिर वहाँ पे कम से कम सीधा वहीं इंस्टीट्यूट ही में पहुँचता था, फिर पढ़ाता था 4 बैच पढ़ाता था लगभग, उसके बाद पूरा घर जाता था और फिर वही रूटीन चलती थी मेरी, रिपीट होते रहती थे। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको लगेगा कि नहीं भाई, और यहाँ पे तो मैं लगभग लेट हो गया, मतलब यहाँ पे आजकल मैं उठता हूँ
साढ़े चार पाँच इस टाइप का उठना होता है, एकदम जल्दी नहीं उठता। अब रोड पार करते हैं, आप देखते रहो भाई। है ना, ये ऐसे मैंने बटन दबा दिया है, ठीक है। अब वहाँ पे जब वहाँ पे ऐसे चलने वाला निशान आएगा तो अपन चलेंगे। वैसे एकदम खाली है, मैं जा सकता हूँ, लेकिन भाई रूल फॉलो कर लो, ठीक है। लिखा हुआ है देखो, स्टार्ट क्रॉसिंग वॉच फॉर व्हीकल्स, डोंट स्टार्ट फिनिश क्रॉसिंग इफ, है ना, लाइट जल रहा है, 18 आ रहा है तो वो अपना चेंज होगा। यहाँ पे जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ना, अभी यहाँ पे हैंड का सिंबल दिख रहा है, अभी एक वॉकिंग का सिंबल आएगा। तब तक और नज़ारे लेते रहो, देखते रहो। मैं बोला डेली आपको कहाँ पे, वो देखो अब वो चालू हो गया, अपन जा रहे हैं ना, ये देखो दिख रहा है, क्रॉस हो गए, फायर ट्रक जा रहा था। मैं कार से जाता हूँ तो इस साइड निशान की बिल्डिंग पड़ती है, तो मैं सोचा आप लोग को दिखाता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं होगा। और भाई देखो, स्टूडेंट वीज़ा वाले के ऊपर बहुत काम किया, मैं सोचा यार वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना फिर वॉइस ओवर करना बहुत झंझट वाला काम है, इससे अच्छा मैं रखूँगा और जैसा मैं बोलता हूँ, जैसा मैं बताता हूँ वैसे ही बता दूँगा, आज वो कम्प्लीट हो जाएगा। भाई कार से आता हूँ तो एकदम जल्दी आ जाता है बिल्डिंग, अभी चल रहा हूँ तो चले जा रहा हूँ आ ही नहीं रहे। मैं पूरा रिकॉर्ड नहीं कर रहा क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा बोरिंग हो जाए, लेकिन थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड करते जा रहा हूँ ताकि आप इन्जॉय कर सको। यहाँ पे दो चीज़ एकदम मस्त देखने मिलती है, एक तो कार रहती है जो है ना फरारी मरारी दिखते रहती है, और दूसरा है यहाँ पे डॉग्स। जो डॉग्स होते हैं ना वो एक से एक कैटेगरी के, मतलब वीनर डॉग दिखेगा, है ना, अपना क्या बोलते हैं, मतलब ऐसी ऐसी कैटेगरी दिखेगी जिसका, ऐसी ऐसी ब्रीड दिखेगी जिसका मैं नाम तक नहीं जानता, पूडल डॉग दिखेगा, और मतलब इतने कलरफुल डॉग दिखेंगे दिल खुश हो जाता है। एक बार मैं कोशिश करूँगा पूरा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डॉग की वीडियो बनाने का इसमें। वो देखो निशान की बिल्डिंग दिख रही है अपने को यहाँ से, वहाँ पे जाऊँगा फिर दिखाऊँगा आपको निशान की बिल्डिंग। प्लॉट इतने बड़े बड़े रहते हैं इसलिए पार्किंग की कोई समस्या नहीं आती, अपने इंडिया में अपने को रोड पे खड़ा करना पड़ता है भाई खरीदने के लिए। भाई ये निशान का हेडक्वार्टर है, अगर US आना तो निशान कंपनी में फिर जॉब अप्लाई करना चालू कर दो, क्या पता H1B वीज़ा दे के आपको भेज दे। फिर निशान की बिल्डिंग है, अब मैं उतने दूर और नहीं चलने वाला भाई, थक गया हूँ, वापस भी जाना है इतनी दूर। दोस्तों ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, पसंद नहीं आया डिसलाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पसंद क्यों नहीं आया। और अगर आप चाहते हैं कि डेली ऐसे ही मैं कुछ नए नए प्लेस आपको दिखाते रहूं, तो लाइक कीजिए या शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो बनता है भाई। मौसम इतना ज़ोरदार है ना यहाँ पे,
अभी बता नहीं सकता, मतलब कि देखो पीछे देखो एक कार दिखा, यहाँ पे भी ट्रैफिक लगता है लेकिन जल्दी क्लियर हो जाता है, इतना लंबा नहीं लगता। जैसे ही रेड लाइट हटेगी साए 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 सब कार निकल जाएगी, जब ग्रीन हुई अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा सबको हटने में, तुरंत ट्रैफिक हो गया क्लियर। तो वो ट्रैफिक जो तो लंबा लगता है वो ज़्यादा देर क्यों नहीं लगता, तुरंत क्लियर हो जाता है।